तकरीबन 2 घंटे तक बंद रहने के बाद श्रीनगर लेह शाहरा को ट्रैफिक के लिए दोबारा बहाल किया गया। तफसीलात के मुताबिक वसी कश्मीर के गांधरबल ज़िले के शाहमाला कुलनगुंड में तेज़ बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके नतीजे में सड़क पर मलबा जमा होने से शाहरा कुछ घंटे तक ट्रैफिक के लिए बंद हो गई थी। हुकाम ने कहा कि बीकन के 122 RCC ने फौरी तौर पर शाहरा से मलबा हटाने के लिए मशीनों और मजदूरों को काम पर लगाया था। उन्होंने कहा कि मिट्टी के तूदे हटाने के बाद शाहरा पर दोबारा ट्रैफिक बहाल हो गया। उधर मुकामी लोगों ने बताया कि साल 2015 में बड़े पैमाने पर सैलाबी रैले के बाद कुलन गांव को जानी व माली नुकसान हुआ था, जिसके नतीजे में वो मुसलसल खौफ में मुबतला हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बादल फटने से यहाँ आज भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी और सारा मलबा श्रीनगर लेह शाहरा के अलावा आसपास रिहायशी मकानों के सहनों में दाखिल हो गया, जिसके बायस हमारे जान व माल को हमेशा खतरा रहता है। उनका मजीद कहना था कि अगरचे कई बार इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया कि मस्कुरा जगह पर एक बड़ा कलवट तामिर किया जाए, ताम अभी तक कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। इस दौरान उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि वो इस मामले को देखें।